माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जेड ग्रेटर देन 100। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100, 100 से अधिक है, उनका आप IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। माय डियर, पीरियोडिक टेबल में भी हमने आपको बताया है कि जो एटॉमिक नंबर 92 से आगे के जितने भी एलिमेंट हैं वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट हैं, वह प्रकृति में उपलब्ध नहीं हैं, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। तो एक सिस्टम IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट ने बनाया कि जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से अधिक है उनका IUPAC नेम नामकरण करें और उनका एक सिंबलाइजेशन करें। जैसा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपने देखा कि जो 7th पीरियड है लास्ट में वो इनकम्प्लीट है और उसमें कुछ सिंबल्स दिए होते हैं, वो कभी कभी समझ में नहीं आते हमारे, तो एक्चुअल में वो IUPAC सिस्टम से बनाए गए नोमेनक्लेचर के माध्यम से वो सिंबलाइज किए गए हैं। कैसे हम इन तत्वों का IUPAC नामकरण करेंगे, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। माय डियर, कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को हम फॉलो करेंगे और बहुत इजी है, साधारण से रूल हैं 2-3 ये, और इनको आप याद करें तो आप आराम से किसी भी एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक 100 से अधिक है उसका आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। देखिए क्या कहता है रूल नंबर 1, नेम इज डेराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एटॉमिक नंबर। हम किसे बनाते हैं, सीधे परमाणु क्रमांक से ही हम उस तत्व का IUPAC नाम बनाते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल रूट्स आर यूज्ड, कुछ न्यूमेरिकल रूट्स डिसाइड किए गए हैं 0 से लेके 9 तक की डिजिट के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये न्यूमेरिकल कल रूट्स यूज किए जाते हैं IUPAC नेम लिखने के लिए। 0 के लिए ये डिजिट हैं और ये न्यूमेरिकल रूट्स हैं। 0 के लिए जो रूट डिसाइड है वो है निल, 1 के लिए है अन, 2 के लिए है बाई, 3 के लिए है ट्राई, 4 के लिए है क्वाड, 5 के लिए है पेंट, 6 के लिए है हेक्स, 7 के लिए है सेप्ट, 8 के लिए है ऑक्ट और 9 के लिए है ईम। तो ये न्यूमेरिकल रूट्स, इन्हें न्यूमेरल रूट्स भी कहते हैं, तो ये न्यूमेरल रूट्स जो है डिसाइड हैं और ये हमें याद करनी पड़ेगी, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, ईम, 0 से लेके 9 तक, ये आपको याद करनी है। अगर ये आपको याद नहीं होंगी तो फिर आप IUPAC नाम नहीं बना सकते, ठीक है। अब न्यूमेरिकल रूट्स हमें याद हो गई तो हमें करना क्या है, रूट्स आर पुट टुगेदर इन द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। जो डिजिट है एटॉमिक नंबर का उसी के ऑर्डर में न्यूमेरल रूट्स को हमें रखना है, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर है उसमें जो डिजिट हैं, 3 डिजिट होंगी मिनिमम, कम से कम अगर मोर देन 100 है तो, ठीक है, तो उन तीनों डिजिट के लिए जो न्यूमेरिकल रूट डिसाइड है उसको हमें क्रम से रखना है, ठीक है, और इसमें बाद में फाइनल IUM हमें जोड़ देना है। जो थर्ड रूट होगी उसमें हमें क्या जोड़ना है लास्ट में, सबसे लास्ट में IUM, ठीक है। यहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, फाइनल N, इन में कितने N होते हैं, 2 होते हैं, फाइनल N ऑफ इन इज रिमूव्ड, हट जाएगा कब, व्हेन इट्स अकर बिफोर निल, अगर निल से पहले इन आ गया, ठीक है, निल से पहले इन आ गया तो हमें इन का एक एन हटा देना है, ठीक। साथ ही कहता है
final I of bi and tri, bi and tri की जो I है वो हट जाएगी. कब हटेगी? When it is present before IUM. अगर ये IUM से पहले bi और tri आ गया कहीं भी, तो एक I bi और tri का I हट जाएगा और IUM जुड़ेगा. ठीक है, कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, इससे हमें समझ आएगा कि हम कैसे IUPAC नाम बनाएं. देखिए, मोर देन 100 है तो 101 से ही स्टार्ट करते हैं. 1 के लिए न्यूमेरल रूट क्या डिसाइड है? अन, तो लिख दिया अन. 0 के लिए निल है तो निल लिख दिया, निल. और फिर वन आ गया तो वन के लिए अन आ गया, तो हमने लिखा अन प्लस निल प्लस अन. मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट में क्या जोड़ना है हमें? IUM. और इसमें हमने जोड़ दिया IUM. ठीक है, अब इसको आप ऐड करके नाम बना दीजिए, अन निल अनियम. ठीक है, क्या बना नाम? अन निल अनियम. अब 102 है, 1 के लिए गया अन, 0 के लिए आ गया निल, 2 के लिए आ गया बाई. अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि फाइनल आई ऑफ बाई एंड ट्राई, बाई और ट्राई अगर निल से अगर आ रहा है IUM लास्ट में आ गया, मान लीजिए कहीं भी अगर ये आ रहा है IUM से पहले, तो इनका जो आई है ये हट जाएगा, यानी बाई बी आई और IUM नहीं होगा, या तो ये वाला आई हट जाएगा. ठीक, कैसे? अन निल बाई, तो बाई का आई हटाएंगे, आई हटा के जोड़ेंगे IUM, तो क्या बनेगा? अन निल बाईम. बाई IUM नहीं बनेगा, बाई का आई हट जाएगा. ठीक है, वैसे ही देखें 103 में भी इसी प्रकार का सीक्वेंस आएगा, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल और 3 के लिए ट्राई. तो फाइनल आई ऑफ बाई एंड ट्राई, ट्राई का आई हट जाएगा when it is present before IUM. तो try में से क्या हटाएंगे? I. और क्या जोड़ेंगे? IUM. तो क्या बनेगा? अन निल ट्राइम. ठीक है, 104, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल और 4 के लिए क्वाड. IUM ऐड करेंगे, अन निल क्वाडियम. 105, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, 5 के लिए पेंट प्लस IUM, अन निल पेंटियम. 106, अन, 0 के लिए निल, 6 के लिए हेक्स, 1 निल हेक्स. क्या ऐड करेंगे? IUM, अन निल हेक्सियम. ठीक है, 107, अन निल सेप्ट, अन निल सेप्ट. उसी सीक्वेंस में रखना है जिस सीक्वेंस में डिजिट है, 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, 7 के लिए सेप्ट. और बाद में जो भी आपकी न्यूमेरल रूट होगी उसमें क्या जोड़ना है? IUM. और बाद में अगर बाई और ट्राई है तो इनका आई हटा देना है, क्योंकि जनरली आप 120 तक, 101 से लेके 120 के बीच में ही आता है एग्जामिनेशन में भी, और इसमें कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी 120 तक कि एन इन इज रिमूव्ड व्हेन इट अकर बिफोर निल, यानी निल से पहले कहीं इन आएगी नहीं, तो वहां इस रूल्स की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल इसको याद रखना है आपको. तो 108 आप देख सकते हैं अन निल ऑप्टियम, 109 अन निल इन, तो अन निल इनियम. 110, अब आ गया 110, तो 1 के लिए अन, फिर 1 है तो फिर अन. ठीक है, और फिर 0 है तो क्या आ गया? निल. और फिर लास्ट में क्या जोड़ेंगे? IUM. तो क्या हो जाएगा नाम? अन अन निलियम. ठीक है, अब देखिए यहां पे ट्रबल 1 है, तो 1 के लिए क्या है? अन, फिर 1 है तो फिर अन, फिर 1 है तो फिर अन, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? IUM. तो क्या होगा नाम? अन अन अनियम. ठीक है, 112,
अन और फिर अन क्या आ गया, टू के लिए क्या आएगा, टू के लिए बाई आएगा, अन अन बाई, और मैंने बताया है कि आई हट जाएगा बाई और ट्राई का अगर ये लास्ट में आता है तो, ठीक है, तो बाई से आई हटेगा और फिर आई यूएम जुड़ेगा। बाई और ट्राई में आई यूएम जुड़ने से पहले आई हटेगा बाई का और ट्राई का, ठीक है, ये मैंने आपको यहां बताया 102 103 और ये 112 एंड 113 में ये एग्जांपल आपको आएंगे, ये आप कम से कम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अन अन बाई एम, 113 के लिए अन अन ट्राई आ गया, यहां भी आई हटा के आई यूएम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अन अन ट्राई एम, ठीक है। इसी तरह से आप 114 का बना लेंगे अनन क्वाडियम, अनन पेंटियम, अनन हेक्सियम, और 117 का अन अन सेप्ट, सेप्टियम हो गया, 118 का हो गया अन अन ऑक्ट, 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, 8 के लिए ऑक्ट, ठीक है। लास्ट में क्या जोड़ेंगे, आई यू एम, तो बना अन अन ऑक्टियम, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने लिख दिया है, वैसे आता नहीं है इतना, 101 से लेके 120 तक मेनली आता है, लेकिन यहाँ पे ये रूल्स है तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने एक लिखा है, ये कह रहा है फाइनल एन ऑफ इन इज रिमूव्ड व्हेन इट अकर बिफोर निल, तो ये इससे पहले कहीं आएगा ही नहीं, 190, ठीक है। तो 1 के लिए क्या आएगा, अन आएगा, 9 के लिए क्या आएगा, इन आएगा, और 0 के लिए आएगा निल, तो वो कह रहा है कि निल से पहले अगर इन आता है तो इन का एक एन हट जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल दिया है, यहां पे लिखा है रूल्स में कि फाइनल एन ऑफ इन इज रिमूव्ड व्हेन इट अकर बिफोर निल, तो ये इससे पहले कहीं भी नहीं आएगा, तो 0 के लिए क्या हो गया, निल, लेकिन इन से क्या हटेगा, एन, 1 के लिए अन, 9 के लिए इन, अब चूंकि निल से पहले है तो एन हटाएंगे और फिर निल जोड़ेंगे, और सबसे लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल रूट है उसमें मैंने आपको बताया उसमें क्या जोड़ना है आपको, आई यू एम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अन इन निलियम, अन इन निलियम, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 100 से अधिक है, ये केवल उन एलिमेंट्स के लिए है जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 100 से अधिक है, तो 100 से अधिक परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर वाले तत्वों के आप IUPAC नेम लिख सकते हैं।